तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं बजाज पल्सर 125 में कितना क्या टॉप एंड आता है वो दिखाने वाले हैं, और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझसे प्यार करते ही हो पहले से ही, और मेरा घर वाले भी प्यार करता है, और मेरे लाइफ में और एक नाम एंट्री हुआ है जिसका नाम है मोहो। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ मैं पिघल गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बाइक से कि इतना अच्छा टॉप एंड देता है भाई। 125 लेना चाहिए तो जा सकते हैं इसके ऊपर, मगर मगर क्यों। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं बजाज पल्सर 125 में कितना क्या टॉप एंड आता है वो दिखाने वाले हैं, और एक चीज़ आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझसे प्यार करते ही हो पहले से ही, और मेरा घर वाले भी प्यार करता है, और मेरे लाइफ में अरे कहना क्या चाहते हो। और एक नाम एंट्री हुआ है जिसका नाम है मोहो। ये आया है कुंतलदा की वजह से, लोगों को दिखा देते हैं। हियर इज द मोहो, मेरी बेटी, कैसी हो मेरी बेटी, कम कम देखो देखो, इतना अच्छा बातें सुनता है ना, मगर क्या बताए, बहुत अच्छा बच्ची है। तो अभी अभी इसका 1 साल भी नहीं हुआ, मगर बहुत अच्छा बातें सुनता है मेरा, जो बोलता हूँ वही सुन लेता है। तो मोहो क्या है इसमें, क्या है, ये रहा मेरा मोहो, देख सकते हो कितना अच्छा बच्ची है, कितना अच्छा बच्ची है, देखो देखो मोहो, देखो देखो कहाँ सो गया है। बजाज पल्सर 125 में कितना क्या टॉप एंड आता है वो देखना है, वो देखने के टॉप एंड देखने के लिए मुझे एक अच्छा रोडों पे जाना पड़ेगा। तो बने रहो वीडियो में, चलते हैं सीधे, मिलते हैं रास्ते पे जाके। या रोड मिल गया गुरु, तो बढ़िया रोड मिल गया, थोड़ा सा भगा के देखेंगे। तो गाइस फाइनली हम आ गए आज एक हाईवे पे, देख सकते हो बढ़िया हाईवे है। तो यहाँ पे हम चेक करके देखेंगे पल्सर 125 कितना स्पीड पकड़ता है। तो ये देख सकते हो 125 कौन सा गियर में कितना स्पीड पकड़ता है वो आप लोगों को दिखाना है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करके आप लोगों को दिखाया जाए बजाज पल्सर 125 कितना गियर में कितना स्पीड पकड़ता है वो चेक करके देखते हैं। तो अभी करते हैं न्यूट्रल, ये देख सकते हो न्यूट्रल में हमने लगा दिया, और अभी देखते हैं कौन सा गियर में कितना स्पीड पकड़ता है ये। तो चलो अलग ही लेवल का, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बजाज पल्सर 125 114 तक चल जाएगा। ओ भाई बढ़िया 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 स्पीड पकड़ा है ये, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बाइक से कि इतना अच्छा टॉप एंड देता है भाई। 125 सीसी के बाइक में 114 तक उठा दिया है, तो बढ़िया टॉप एंड आया है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि 125 लेना चाहिए तो जा सकते हो इसके ऊपर, मगर टॉप एंड आने में बहुत टाइम लगता है, ये 10,000 RPM तक पहुंचने में बहुत वक्त लगा रहा है, और कुछ नहीं, मगर बाइक बहुत बढ़िया है, माइलेज भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि बहुत दिन से चला रहा हो तो बढ़िया एक माइलेज तो आ रहा है। 125 लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसका माइलेज भी बहुत बढ़िया है। तो माइलेज टेस्ट फिलहाल मैं अभी तक नहीं गया, तो इसका भी माइलेज टेस्ट हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे अगर आप लोग कॉमेंट करोगे। तो इसका टॉप एंड जो आया है बढ़िया टॉप एंड आया है। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।